भारत को रहस्यों की जननी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। यहाँ पर कदम कदम पर ऐसे रहस्य सामने आते हैं जिन्हें जानने के बाद भी यकीन नहीं होता है। आज हम आपको भारत के ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ 52 टन का चुंबक लगा हुआ है। ये मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। वैसे तो कोणार्क मंदिर अपनी पौराणिकता और आस्था के लिए विश्व भर में मशहूर है, लेकिन कई अन्य कारण भी है जिसकी वजह से इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। यह अपनी भव्यता और अद्भुत शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ लोग इसको भारत का 8वां अजूबा भी कहते हैं। सन 1984 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। इस मंदिर की सबसे रोचक बात यह है कि मंदिर के लगे चक्रों पर पड़ने वाली छाया से हम समय का सही और सटीक अनुमान लगा सकते हैं। आइए जानते हैं मंदिर का इतिहास। सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर का नाम दो शब्दों कोण और अर्क से जुड़कर बना है। कोण यानी कोना और अर्क का अर्थ सूर्य है, यानी सूर्य देव का कोना। इसे कोणार्क के सूर्य मंदिर के नाम पहचाना जाता है। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी 1236 से लेकर 1264 ईसा के मध्यकाल में गंगवंश के प्रथम नरेश नरसिंह देव ने करवाया था। इस मंदिर के निर्माण में मुख्यतः बलुआ, ग्रेनाइट पत्थरों व कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर का निर्माण 1200 मजदूरों ने दिन रात मेहनत कर लगभग 1200 वर्षों में बनाया था। यह मंदिर 229 फीट ऊंचा है। इसमें एक ही पत्थर से निर्मित भगवान सूर्य की 3 मूर्तियां स्थापित की गई है जो दर्शकों को बहुत ही आकर्षित करती है। मंदिर में सूर्य के उगने ढलने और अस्त होने, सुबह की स्फूर्ति, सायंकाल की थकान और अस्त होने जैसे सभी भावों को समाहित करके सभी चरणों को दर्शाया गया है। यह मंदिर उड़ीसा राज्य में पुरी शहर से लगभग 37 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। अद्भुत शिल्पकला का नमूना है ये मंदिर। इस मंदिर का स्वरूप व बनावट अद्भुत शिल्पकला का नमूना है। एक बहुत बड़े और भव्य रथ के समान है जिसमें 12 जोड़ी पहिया है और रथ को 7 बलशाली घोड़े खींच रहे हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि मानो इस रथ पर स्वयं सूर्यदेव ही बैठे हैं। मंदिर के 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक चक्र 8 अरुण से मिलकर बना है जो हर एक दिन के 8 पहरों को प्रदर्शित करता है। वही अब 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाता है। इस मंदिर की सबसे रोचक बात यह है कि मंदिर के लगे चक्रों पर पड़ने वाली छाया से हम समय का सही और सटीक अनुमान लगा सकते हैं। यह प्राकृतिक धूप घड़ी का कार्य करते हैं। वही मंदिर के ऊपरी छोर से भगवान सूर्य का उदय व अस्त देखा जा सकता है जो कि मनभावन है। ऐसा लगता है कि मानो सूरज की लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल रंग बिखेर दिया हो और मंदिर के प्रांगण को लाल सोने से मढ़ा हो। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और इसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से देउल गर्भगृह, नाट्य मंडप और जगमोहन मंडप एक ही दिशा में है। सबसे पहले नाट मंडप में वह द्वार है जहाँ से प्रवेश किया जा सकता है। इसके बाद जगमोहन और गर्भगृह एक ही जगह पर है। मंदिर का चुंबकीय रहस्य। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ का चुंबकीय ताकत है। प्रचलित कथाओं के अनुसार मंदिर के ऊपर 51 मेट्रिक टन का चुंबक लगा हुआ है जिसका प्रभाव इतना अधिक प्रबल था जिससे समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते भटक जाया करते थे और इसकी ओर खींचे चले आते थे। इन जहाजों में लगा कंपास गलत दिशा लग जाता था। इसके लिए उस समय के नाविकों ने उस बहुमूल्य चुंबक को हटा दिया और अपने साथ ले गए। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अगर मंदिर को देखें तो मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया था
जैसे कोई सैंडविच हो, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थी जिस पर मंदिर के पिलर अटके हुए थे, जिसके कारण ही लोग इन कथाओं पर भरोसा करते हैं। मंदिर का रोचक तथ्य। इस मंदिर को ओडिशा के स्वर्ण त्रिभुज की तीसरी कड़ी माना जाता है, जिसमें पुरी में जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर शामिल है। इस मंदिर की ऊंचाई 69.7992 मीटर है, यानी कि 229 फीट है। इस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है और यह मंदिर परिसर लगभग 26 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। मंदिर का निर्माण रथ के रूप में किया गया था। रथ का प्रत्येक पहिया लगभग 10 फुट चौड़ा है और रथ 7 शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है, परंतु वर्तमान में 7 में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है। मंदिर के दक्षिण हिस्से में 2 घोड़े बने हुए हैं, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य चिन्ह के तौर पर चुना गया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को अंग्रेजी में ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में ही एक नट मंदिर है। ये वो स्थान है जहाँ मंदिर की नर्तकियाँ सूर्यदेव को खुश करने के लिए नृत्य किया करती थी। मंदिर के अंदर सूर्य भगवान की मूर्ति को ऐसा रखा गया है कि उगते हुए सूर्य की पहली किरण उस पर आकर गिरती है, जिससे रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा उठता है। मंदिर के अंदर जगह जगह पर फूल बेल और जामिनीय नमूनों की सुंदर नक्शाई की गई है। इनके साथ ही मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि के सुंदर चित्रों को भी ऐंद्रिक मुद्राओं में प्रदर्शित किया गया है। ये मंदिर प्राचीन उड़ीसा स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है। दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।